Hello everyone, it is my proud privilege to welcome Dr. Purva Sood. She's a graduate from B.N. Karajana Kharkiv National Medical University, and she has scored a whopping 211 marks in her first attempt in January 2024 FMG exam. Many congratulations to you, Purva, and Aunty Namaste, आपको भी बहुत बहुत congratulations हम सबकी तरफ से. गुड इवनिंग सर। कितनी सारी मेहनत इसके पीछे आपकी और आंटी अंकल की इन्वॉल्व है, ये बताओ. आई थिंक अगर मैं परसेंटेज में डिवाइड करूं, मेरी 30% और 70% ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। बिल्कुल. कैसी रही जर्नी पूर्वा, इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हो. सो यू नो, व्हेन डिड यू फर्स्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर, आई मीन द थॉट केम इनटू योर माइंड कि मेरे को पढ़ाई करनी है, एंड देन हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट मिस्ट, और फिर कैसी रही है जर्नी? यू आर इन ऑनलाइन बैच, राइट? यस ऑनलाइन सर। मतलब यूक्रेन में ऑलरेडी हमारे ना स्टेट एग्जाम्स होते हैं क्रो, तो हम थोड़ा थोड़ा तो लाइक पढ़ते ही थे, बट फिफ्थ ईयर से आई मेड श्योर कि मुझे ना फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में निकालना, और 200+ का टारगेट लेके चल रही थी मैं। ओके. और मेरे दो तीन सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी मिस ज्वाइन कर चुके थे उस टाइम पे। मतलब आई वुड लव टू टेक देयर नेम्स, डॉक्टर कविराज, डॉक्टर आदित्य शर्मा। तो वो लोग, मतलब हम लोग उनको देखते थे, और उन्होंने जब वो पास कर गए एग्जाम, तो उनसे बस एक कॉन्वर्सेशन हुई, तो उन्होंने लाइक 100 and 100 रिकमेंड किया कि मतलब कोई लेफ्ट नहीं कोई राइट नहीं, सीधा आप मिस्टी ज्वाइन कर लो। तो बस फिर क्योंकि हमारा सिक्स ईयर में भी स्टेट एग्जाम होता है, तो वो खत्म करते ही मैंने 20 जुलाई वाला बैच जो है वो ज्वाइन कर लिया था मिस्ट का। और फिर कैसा ऑनलाइन बैच में, मतलब जैसे घर बैठ के पढ़ाई करनी है, पूरे टाइम लेक्चर्स को देखना है, तो कैसा एक्सपीरियंस था पूर्वा वो? मतलब कुछ कुछ डाउट्स वगैरह नहीं थे तुम्हारे दिमाग में? सर जो भी डाउट्स आते थे ना, तो मतलब जो जितनी भी फैकल्टी है, हम कनेक्टेड रहते थे थ्रू आउट द क्लास। जैसे कुछ फैकल्टीज टेलीग्राम पे, और कुछ जैसे आपके ऐप में लाइव हम चैट कर सकते थे, और टीचर्स ऑन दी स्पॉट रिप्लाई कर देते थे इन केस जैसे कभी वो डाउट रह जाता था। तो आप सब लोगों ने अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे थे, तो बस कभी भी फोन मतलब मैसेज कर दो, विद इन 1 आवर पता ही है कि आ जाना है, मतलब वॉइस मैसेज या फिर पूरा टेक्स्ट के साथ मैसेज आ जाता था और डाउट क्लियर हो जाता था। ओके. आंटी, कितनी मेहनत करते हुए देखा है आपने इसको? मैंने तो बहुत दिन रात ही देखा इसको, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। आपको बहुत परेशान तो नहीं करती थी ये कि नहीं मम्मी नहीं आओ, नहीं कैसे होगा मम्मी? नहीं थोड़ा थोड़ा कभी टेंस हो जाती थी कि जी होगा कि नहीं होगा, फिर मैं कहती थी नहीं होगा होगा, 100% देना होगा। बिल्कुल आंटी, मतलब ये मार्क्स जो है इस पेपर में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, और इसने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी. आपने आंटी इसको जैसे पढ़ते वगैरह देखा, तो कैसा ऐसे मन में एक वो तो होता होगा कि यार मेरी बेटी कितनी कितना मेहनत कर रही है, मतलब एक प्राउड मोमेंट होता होगा आपके लिए भी? बहुत ज्यादा देखा मैंने इसे मेहनत करते। सुबह 5 बजे उठना, रात के 12-1 बजे पढ़ना, डिनर रात को करना नहीं कि नींद आ जाएगी, पूरा प्रॉपर डिनर नहीं करती सर ये आपने ना थी। अपनी क्लास में एक बारी बोला था, मतलब शायद अगर आपको याद हो, मतलब आप किसी एक बच्चे ने इसे कमेंट किया कि सर बहुत नींद आती है खाकर, तो आपने ना उसको सार्कास्टिक वे में बोला कि मत खाया करो आलू के पराठे, मत खाया करो थूस थूस के, और आपने बोला अगर पढ़ना है ना तो पेट में आग लगी रहनी चाहिए। वो चीज मैंने मतलब इनकलकेट किया, मैंने डिनर को लाइट रखा लाइक 2 से 1 रोटी, और वो मेरा टाइम इंक्रीज हो जाता था पढ़ने का उससे। नहीं, वो तो है, हर चीज के लिए यू नो देर हैज टू बी अ फायर इन द बेली. विनीत सर हमेशा बोलते हैं कीप दैट फायर इन द बेली. तो मैंने वहां से सीखा कि यू नो यू शुड ऑलवेज हैव दैट. तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें भी ना पता नहीं चलती, लेकिन ये रोज का 1 घंटा 180 दिन में 180 घंटे बन जाते हैं, और फिर वो 180 घंटे का तो यू नो देयर सो मेनी डेज, तो ऑब्वियसली इट गिव्स यू. तो कैसा जर्नी कैसी रही पूरा, मतलब किस चीज को फॉलो करते थे, क्या तुम्हारा मतलब एक व्हाट वाज योर डेली रूटीन, और जो टेस्ट वगैरह तुम्हारे लगते थे उसको किस तरीके से हैंडल किया तुमने? सर जब मतलब जैसे हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई मिस्ट की, तो मेरा बस ये टारगेट रहता था कि जो आज पढ़ाया है लाइक 9 to 7 या 9 to 8 जो भी टाइमिंग थी क्लास की, मेरा बस ये टारगेट रहता था कि मुझे उसको 2 बारी रिवाइज करके सोना है।
दो बिना बार रिवाइज करे नहीं सोती थी मैं, 2 बार आई वाह मेड श्योर कि मुझे 2 बार पढ़ना है। और विनीत सर मतलब बोलते थे कि आपका 9 to 7 की जो क्लास है ना, आपको उसको 1 आवर में लाइक कंप्रेस करके पढ़ना ही पढ़ना है। और यही सेम चीज अमित सर बोलते थे कि आपको कैसे भी पढ़ना है। तो मैं 2 मतलब 3 आवर्स में मेरी 2 रिविजन हो जाती थी डेली डेली की डेली। एक ऐसा दिन नहीं होगा जब मैंने मतलब मिस किया हो अपनी रिविजन को। तो आई वाह थिंक और फिर जब क्लासेस खत्म हुई तब थोड़ा सा धक्का लगा कि अरे यार अब तो टीचर्स साथ में नहीं है, पूरे फ्री हो गए हैं। बट फिर आप लोगों ने एक स्केड्यूल दिया उसको मतलब वो मतलब मेरे लिए परफेक्ट था। मतलब जैसा मैं चाह रही थी वो वैसा ही था कि जैसे मेरी 2-3 रिविजन हो गई उसी के कारण सर्जरी की। बट उसमें मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से मॉडिफाई किया। मैं 5 बजे उठ जाती थी और 5 to 8 मेरा ये स्केड्यूल था कि मुझे डेली लाइक डे 1 से लेके जब से फार्माकोलॉजी स्टार्ट हुई थी टिल 19th of Jan मैंने फार्माकोलॉजी को डेली 1 आवर पढ़ा है, रोज रिवाइज किया रोज रोज। और फिर उसको ऑल्टरनेट करती थी मैं माइक्रोबायोलॉजी के साथ, जैसे आज फार्मा कल माइक्रो। और कम्युनिटी मेडिसिन को भी मैंने ऐसे ही रखा, लाइक रोज 3 आवर्स मैंने इसके लिए रखे थे, इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए मैं देती ही देती थी। वाह, तो अपने वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स को आपने इस तरीके से हैंडल किया, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, एंड टेस्ट वगैरह का कैसे करते थे पूर्वा, क्वेश्चंस और वगैरह सर नहीं होता था आपको? सर जैसे यूजर टेस्ट होते थे तो मैं उसको ना बहुत सीरियसली लेकर पढ़ती थी कि मुझे इसमें अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। और मुझे लगता है कि लाइक मेरा ऐसा था कि अगर मैं 10 आवर्स पढ़ रही हूँ, 8 आवर्स मेरा लाइक प्रॉपरली मैं मिस के नोट्स को ही लाइक देती थी, और 2 आवर्स में मैं एमसीक्यू करती थी लाइक रैंडमली कुछ भी एमसीक्यूज कर लिए। तो ओके आई थिंक कंटेंट पे अगर आपका ग्रिप बन जाता है ना, एमसीक्यू आपसे इजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरा ओके प्राइम फोकस था नोट्स, कि मुझे नोट्स अच्छे से होने चाहिए मतलब। ओके और वर्कबुक्स को पढ़ के मजा आता था पूरा, मतलब जैसे हाँ जैसे सर सर मतलब मैंने प्रीवियस लाइक 3 इयर्स एम्स का सॉल्व किया तो ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता था कि यार ये तो नोट्स पढ़ के एम्स में निकल जाएगा, और क्या चाहिए। मतलब इतने कंफाइंड मतलब इतने क्रिस्प और कंफाइंड चीज है, और इससे पढ़ के आप एम्स तक का सॉल्व कर पा रहे हो तो और क्या चाहिए। हाँ मैंने नहीं ट्रस्ट रखा मतलब बहुत सारे वो तो बहुत, भाई कोई भी चीज करनी है तो पूरा उसके लिए ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे आपने एम्स का नाम लिया कि भाई आइंस्टीन का आपने क्वेश्चंस देखे, तो ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियसली देर आर सर्टेन टॉपिक्स विच आर एक्स्ट्रा इन देयर, तो जब आप कंपेयर करोगे अभी तो फिर आपको पता चलेगा। बट ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट जो आपने अभी पढ़ा है ये चीज काम नहीं आएगी, ऑब्वियसली दिस यू नो 70-75% ऑफ द कंटेंट विच यू आर गोना सी देयर टू, सो डेफिनेटली इट इज गोना हेल्प। और आंटी जब ये एग्जाम दे के आई थी तो क्या बोला था इसने आपको? कहता मम्मा 50-50 है अभी पेपर, एग्जाम टफ है। मैंने कहा कोई नहीं, भरोसा रखो अपनी मेहनत पे, भगवान पे, नहीं। और आंटी हाँ जब हो रिजल्ट जाएगा। आया तो कहाँ थी ये? रिजल्ट है तब ये मेरे साथ ही थी तो एकदम थोड़ा सा पहले घबरा गई, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आउट हो गया। मम्मा मैंने कहा तू देख तो सही, हाथ कांप रहे थे, शिवरिंग हो रही थी पूरी बॉडी में। शिवरिंग करते करते इसने अपना रिजल्ट देखा, बस तो इतना मतलब मैं कह नहीं सकती, इतना मतलब रिजल्ट जैसे ही देखा इसने, इसको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं। हाँ बस फिर गले मिलके हमारे सबके बार बार रोई जा रही थी कि मेरा हाँ क्लियर हो गया, मेरा क्लियर हो गया। फिर नहीं सबसे पहले इसने भगवान का धन्यवाद किया कि आंटी सबसे बड़े वो ही है। हाँ जिन्होंने इसको रास्ता दिखाया, आगे बढ़ने की शक्ति दी। लेकिन बाकी ये मैं सब टीचर्स का जी भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जी जिन्होंने इनका मार्गदर्शन किया बच्चों का। जी जी अभी सर अब मानोगे नहीं, अभी जब मम्मा आए ना ऑफिस से तो मैंने बोला इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है कुणाल सर के साथ, तो फिर मम्मा ने क्या रेफरेंस दिया, वो कद्दू बोलने आंटी वाले वो ऑनलाइन बैच में थोड़ा पढ़ाते टाइम सर बच्चों से थोड़ा हल्की फुल्की बात हो जाए मैं तो बच्चे मतलब पढ़ते रहते हैं, नहीं तो छोड़ के पढ़ते चले रहते जाते हैं, बोलते हैं कि हैं अरे छोड़ो क्या देखना, तो हाँ इसलिए बोलता रहता हूँ। बाकी बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि जितनी मेहनत ये लोग कर सकते हैं और जिस तरीके से सकते जिन सराउंडिंग से जिन सिचुएशन से ये लोग निकल के आते हैं और उसके निकल के बाद आए हैं। अपने को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये मतलब ये इजी नहीं है।
ये लाइटली लेने वाली चीज नहीं है, बिकॉज नहीं हर आदमी इतनी मेहनत नहीं कर सकता। और आपके सामने तो मतलब एग्जाम्पल है कि आपने देखा है इसको। मेरी और भी मतलब पेरेंट्स से बात हुई थी, तो वो यही बोलते हैं कि हमने अपने बच्चे को कभी इतनी मेहनत करते हुए देखा ही नहीं। तो मतलब वो इसी बात से इतना खुश हो जाते हैं कि मतलब हमारा बच्चा इतनी मेहनत करता है। तो बहुत ही मतलब बहुत स्ट्रांग मेंटेलिटी एंड स्ट्रांग माइंडसेट है इन बच्चों का। तो वी आर तो वेरी प्राउड। तो तुम्हारा कैसा फिर अपूर्वा, रिजल्ट विजल्ट आ गया, पापा मम्मी को गले लगा लिया, फिर मतलब वो शांति पड़ गई फिर सारी अंदर एकदम? सर मैंने उसके बाद 10 बारी अपना रिजल्ट चेक किया कि मेरा ही है ना कहीं, हाँ मतलब मुझे डिसबिलीव था एक, बट फिर जब मैंने देखा कि नहीं नहीं मेरा ही है, सब सही है, सब सेट है, तो बस फिर उसके बाद थी कि मतलब प्रशांत सर है जो हाँ वो बोलते थे ये एग्जाम ना एज अ FMG तुम्हारा एग्जिस्टेंस का एग्जाम है, तो मुझे बिल्कुल उनकी ये बात ना बहुत क्लिक कर गई। मैंने कहा कि हाँ मतलब जो रिलेटिव्स डाउट करते थे ना कि यार तू तो बाहर से पढ़ के आ रही है, तो वो लोगों का कॉल आना शुरू हो गया कि अरे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, वो बहुत बेटा। अलग लेवल ऑफ हैप्पीनेस था कि ये तो होता ही है, व्हेन यू अचीव समथिंग पीपल ऑलवेज यू नो। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि ठीक है उन्होंने जो भी बोला, लेकिन अपने कुछ अचीव किया तो साथ तो आए, तो हाँ जो ना पब्लिक जुड़ी हमारे साथ, और तो ये हाँ अच्छी बात है कि हाँ एटलीस्ट सेड दैट इट इज गुड दैट यू हैव अचीव्ड, सो हाँ दैट्स वेरी नाइस। और जो ये बताओ कि जैसे तुमने बोला 50-50 है मेरा होगा कि नहीं होगा, परेशान हो जाते थे, मिस के मॉक वगैरह दिए होंगे, उसके अंदर कैसा प्रिपरेशन रहता सर मेरा जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था, जो फर्स्ट था उसमें मेरा स्कोर था 224, था? ओके मतलब मेरी रेंज अगर मैं एक रफ रेंज लूँ, 3 एग्जाम जो है हमारे मॉक एग्जाम जो है उसमें मेरा 224 से लेके 248 के बीच में स्कोर रहा है तीनों एग्जाम्स में। ओके okay. तो वही हाँ 10% का स्कोर जो हम मान के चले, वही हाँ उसी जी तरीके। हाँ जी और एग्जाम देते हुए कैसा लगा था पूरा? जैसे मतलब इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, बिकॉज यू कैन यू बिकॉज यू हैव गॉट दीज मार्क्स, सो यू कैन जज द पेपर वेल। तो जब जैसे आपने बताया कि आपने वर्कबुक्स को ही पढ़ा है, और 8 to 10, 9 hours आप वर्कबुक में देते थे दिन में, तो जब एग्जाम दे रहे थे उस टाइम पे जो क्वेश्चंस आ रहे थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कैसा लग रहा था? मतलब आप समझ पा रहे थे चीजों को या बहुत अलग लग रहा था, कैसा लग रहा था? सर एग्जाम शुरू हुआ, मतलब मेरे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस फार्मा के थे, जैसे कि लाइक आई सेड कि मेरी अच्छी ग्रिप थी क्योंकि मैं यस रोज रोज पढ़ रही थी, तो जी मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद एक स्टॉप लगा जब FSM का एक क्वेश्चन आ गया, वो लाइक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। उसके बाद मैं शांत रही, कोई बात नहीं, राजीव सर बोलते हैं कि लाइक सी टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है, हाँ तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक से डिसाइड नहीं हो रहा कि मैं पास हो रही हूँ कि फेल। फिर आया पैथोलॉजी का क्वेश्चन, वो टर्नर और स्टार्ट होने लगा, और मतलब मैंने वर्कबुक्स को आई थिंक 8 to 9 times रिवाइज किया हर एक सब्जेक्ट की। और उसके बाद ना मतलब सर्जरी, ऑब्स, गाइना, पैथो, ENT और ऑप्थेल, इसमें इन सब्जेक्ट्स के जब क्वेश्चंस फ्लैश हो रहे थे ना स्क्रीन पे, इसमें तो मतलब मुझे आप लोगों की शक्ल और साथ में नोट्स का पेज तक दिखाई दे रहा था, मतलब मेरी विजुअल मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो गई थी पढ़ने के बाद, और मैं मुझे बात की और भी सारी चीजें याद आ जाती थी, जैसे कि आपने एडवर्ड में हमें माइक्रोसेफेली, क्लेफ्ट पैलेट और ये सब बताया था, मतलब पटाऊ और एडवर्ड, वो भी सब मैं रिलेट कर रही थी कि हाँ इस टाइम पे तो सर ने ये भी बताया था ये भी बिल्कुल बताया था, और मैं थोड़ा हंस रही थी। उसके बाद मैं सीरियस होगी कि भाई एग्जाम है आराम से कर ले, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। तो पार्ट 1 मेरा मॉडरेट गया, लाइक ओके ओके। फिर जब पार्ट 2 की बारी, मेरे लगातार ENT और ऑप्थेल थी, लाइक फर्स्ट 30 क्वेश्चंस यही थे मेरे, ओके और लाइक आई सेड कि मैंने एक एक वर्कबुक को 8 से 9 बार ही पढ़ लिया था, और मतलब मिस आप लोग ही आई थिंक 3-3 रिविजन्स तो आप ही करवा देते हो, वो एडिशनल है, तो ना मतलब मैं बहुत खुश हो गई। आप मानोगी नहीं सर, मेरा पार्ट 2 48 मिनट्स में हो गया था पूरा पूरा पूरा, और बट आई मेड श्योर कि मैंने ऑप्शंस चेंज नहीं करने हैं, जो मैंने मार्क कर दिया वो कर दिया, एक जगह बेवकूफी की मैंने, ऑप्शन इधर उधर कर दिया और वो गलत हो गया, एक ही जगह। तो मैं मेरी मतलब एडवाइस यही रहेगी जो भी मुझे सुन रहा है, अपने ऑप्शंस चेंज मत करना, बिल्कुल मत करना। आपने जितना भी मैंने आपसे बात की उसमें अगर मैं इसको समरी इसकी बनाऊं, जैसे सबसे बड़ी चीज़ आपने ट्रस्ट के लिए बोला कि हाँ यू मेड श्योर
कि कुछ भी हो इधर से उधर नहीं होना है, मेरे को इन्हीं पे रहना है। फिर हाँ जी आपने ये चीज बताई कि जो आपका जो ये था टेस्ट वगैरह जो आप देते थे, उसमें आपका ये था कि आपने कोई टेस्ट छोड़ा नहीं है, और नहीं आप देखें तो चूंकि कंटिन्यूअसली आपको जो भी मार्क्स आए हैं उसी की रेंज में फाइनल मार्क्स भी आपके बने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी फिर जो एक सबसे बड़ी बात आपने बोला कि दिन में पढ़ने का जो टाइमिंग थी आपकी, जब आप ऑन और ऑन योर योन थे, उसमें भी आपने 8 to 9 hours वर्कबुक को दिया है। हाँ तो जी मेरे बिल्डिंग अप जो आपने किया वो कंटेंट से किया है। बिल्कुल बिल्कुल और लेकिन जैसे पेपर भी आपने दिया, तो उसमें आपने ये चीज, ये बहुत अच्छी बात आपने बोला कि क्वेश्चन नहीं आया तो भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि एक क्वेश्चन से मेरा पास एंड फेल डिसाइड नहीं हो रहा है, सो आई शुड कीप ऑन डूइंग। ये बहुत जरूरी है। एंड छोटी छोटी चीजें जो आपने की, जैसे आपका टाइम टेबल सुबह 5 बजे उठना, दैट वॉज वेरी गुड। यू नो वो रात को 2 3 3 बजे तक, मतलब इट इज एवरी वन इज डिफरेंट, बट ये बहुत अच्छा है कि आप सुबह उठ के रात को टाइम पे सो जाओ। फिर खाना डाइट को भी मैनेज किया, बहुत एंड देन सबसे ऑन चेरी ऑन द केक ये था कि आप अपनी फैमिली के साथ थे, तो प्रोबेबली जो एक एक पुश रहता है, जो एक हाथ रहता है सिर के ऊपर कि बेटा कोई बात नहीं परेशान हो, हाँ वो भी आपको साथ साथ मिलता रहा। बिल्कुल सो वेरी वेरी गुड पूर्वा, आई मीन गेटिंग दीज मार्क्स इज ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग। एंड यू नो जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि रिजल्ट आया, आप गले लग लग के रोए और बस कि मैं बन गई डॉक्टर। तो वो जो एक मोमेंट शायद उस टाइम पे रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं आप लोग उस चीज को। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी नहीं भी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे वो फिर से वो विजुअल वो आ रहा है कि अरे यार वो भी दिन था एक। नहीं और जो भी मतलब ये एक होता है ना कि जो भी मेहनत हमने किया इतने टाइम के लिए, इतना बड़ा सैक्रिफाइस है, आपकी मॉम भी यही बता रही है कि मतलब बहुत मेहनत करते हुए देखा आपको, तो वो सारा सैक्रिफाइस जो है ना, वो जो एक 2 मिनट 4 मिनट की वो जो फीलिंग होती है ना रिजल्ट देखने के बाद, वो लगता है कि नहीं यार इट इज वर्थ इट। ट्रू आंटी वेरी आप कुछ, आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए जो भी इनको देखेंगे, या बच्चों के लिए कोई सजेशन आप देना चाहें आंटी? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। जो बच्चे मेहनत करते हैं कामयाबी भी उनको जरूर मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं कभी होती। हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है पूर्वा, इट वाज ग्रेट प्लेजर मीटिंग यू एंड आंटी। और भी बिल्कुल सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस देना, और आंटी कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन अस। एंड ये अब पूर्वा पहली फाइट थी लाइफ की जिसमें हमने प्रूव किया कि वी एग्जिस्ट। नाउ जो हमारी अब जो फाइट स्टार्ट हो रही है वो एक्सेलेंस की फाइट है बेटा, और रुकना नहीं सर बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना, अगला एग्जाम। बिल्कुल थैंक बिल्कुल बिल्कुल यू वेरी थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू।